नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 जून दिन बुधवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस योजना के तहत 10वीं 12वीं पास करने वाले बच्चों को मिल रहा प्रोत्साहन राशि। बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम इस जिले में बनकर होगा तैयार। पटना डीएम समेत बिहार के 6 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार के 9 शहरों में विमान सेवा शुरू करने की कोशिश में लगी बिहार सरकार। मिर्जापुर सीरीज से स्टार बने पंकज त्रिपाठी। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अफगानिस्तान के कैप्टन ने किया खुलासा। अब चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस बैंक में 9000 से भी अधिक पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा 9995 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती बैंकिंग ऑफिसर, CAPO और लॉ ऑफिसर आदि पदों के लिए निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 7 जून से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के जरिए होगा। आवेदन शुल्क के रूप में आपसे 850 रुपए लिए जाएंगे। इस भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। इस योजना के तहत 10वीं 12वीं पास करने वाले बच्चों को मिल रहा प्रोत्साहन राशि। IPRD बिहार ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना से संबंधित कुछ जानकारी साझा की है, जहां बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसे 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के तहत 10,000 रुपए, द्वितीय श्रेणी से पास होने वाले इन वर्ग के बच्चों को 8,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं 12वीं पास इस वर्ग से प्रथम श्रेणी के बच्चों को 15,000 रुपए और द्वितीय श्रेणी के बच्चों को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको शिक्षा विभाग के मेधा सॉफ्ट पोर्टल medhasoft.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून है। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप जिला शिक्षा कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। बिहार के 9 शहरों में विमान सेवा शुरू करने की कोशिश में लगी बिहार सरकार। बिहार में कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां से विमानों की उड़ान भरने की घोषणा तो होती है, लेकिन कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अब बिहार सरकार लोगों को उनके ही शहर में विमान मुहैया करवाने की योजना बना रही है। केंद्र के साथ ही प्री बजट के दौरान बिहार सरकार ने इस योजना को केंद्र सरकार के सामने रखा। केंद्र सरकार से इस पर सकारात्मक पहल की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के 9 शहरों के एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू करने की पहल की जा रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, डेहरी ऑन सोन, सहरसा, फारबिसगंज, रक्सौल, नालंदा और गोपालगंज शामिल है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपितों की CBI की विशेष अदालत में होगी सुनवाई। बीते दिन पटना में नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। ये सुनवाई ADJ 5 की अदालत में सभी 13 आरोपियों की जमानत याचिका के साथ संजीव मुखिया की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर देखने को मिले। इस दौरान अदालत ने कहा कि अब इस मामले में सभी तरह की सुनवाई CBI की विशेष अदालत में ही होगी। वहीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अदालत ने कहा कि ये केस अब केंद्रीय जांच एजेंसी के पास चली गई है, इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ अदालत को दे। अब इस मामले की सुनवाई CBI की विशेष अदालत ही करेगी। अब पासपोर्ट बनवाने में पुलिस वेरिफिकेशन का काम होगा और भी आसान। पासपोर्ट बनवाने के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी आती है। सबसे ज्यादा परेशानी इसी दौरान देखने को मिलती है। अब इसे देखकर विदेश से मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब लोगों को कुछ दिनों के अंदर ही पासपोर्ट बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर कहा कि इसमें तेजी लाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लाया गया है। इससे 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 9000 पुलिस थानों को जोड़ा गया है। साथ ही पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के लिए पासपोर्ट सेवा सिस्टम को डिजी लॉकर से जोड़ा गया है, जिससे पुलिस वेरिफिकेशन का काम आसान हो जाएगा। पटना डीएम समेत बिहार के 6 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। एक बार फिर से बिहार में कई बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आई है। इसमें पटना के डीएम सिरसत कपिल अशोक से समेत
6 IAS अधिकारी शामिल हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी की है, जिसके मुताबिक चंद्रशेखर सिंह को पटना का फिर से DM बनाया गया है। मौजूदा DM शीर्षत कपिल अशोक को बिहार राज्य पथ निर्माण निगम में MD बनाया गया है। साथ ही ये इस विभाग में विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हिमांशु वर्मा को जीविका का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम इस जिले में बनकर होगा तैयार। बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम जमुई जिले में बनकर तैयार होने वाला है। यहां बर्ड म्यूजियम बनाने को लेकर पटना की टीम द्वारा सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है। निर्माण स्थल का चयन भी टीम द्वारा किया जा चुका है। वन विभाग को जिला प्रशासन द्वारा जमीन हस्तांतरित होते ही प्रस्ताव अग्रसारित कर दिया जाएगा। 2 से 3 वर्षों में इस म्यूजियम के तैयार होने की उम्मीद लगाई गई है। लगभग 1.50 करोड़ रुपए इस बर्ड म्यूजियम को बनाने में लागत आने का अनुमान है। इसे विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, जहां करीब 1300 प्रजाति के पक्षियों के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यहां पर लोगों को पक्षियों के रहन सहन और प्रजनन व बोलने के तौर तरीकों की भी जानकारी दी जाएगी। बिहार के इस जिले में लग रहा रोजगार मेला, वैसे युवा जो रोजगार की तलाश में है उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल आरा में 28 जून को एक दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला आरा के कृषि भवन में आयोजित होगा। मेले का आयोजन सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक देखने को मिलेगा। 12वीं पास के साथ ही स्नातक, ITI पास और डिप्लोमा डिग्री धारक भी इस जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए www.ncs.gov.in पर जाकर अपना निबंधन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको बिहार के किसी भी जिले के DRCC ऑफिस में भी निबंधन करवाने की सुविधा मिलेगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे इकबाल दुर्रानी के बारे में। इकबाल दुर्रानी एक भारतीय लेखक, निर्देशक, अभिनेता और हिंदी फिल्मों के निर्माता हैं। इनका जन्म वर्ष 1956 में बिहार के बांका जिले में हुआ था। इन्होंने कई फिल्में की, जिसमें मोती शेर, कालचक्र, मजबूर, शानदार, नसीब वाला, बेनाम बादशाह, इंसानियत के देवता और खुद्दार जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें गांधी से पहले गांधी और सामवेद का उर्दू में अनुवाद किया जाना शामिल है। इन्हें इनके सराहनीय कार्य के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें झारखंड रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार, बाबा साहेब आम्बेडकर पुरस्कार, साहित्य कला संगम, विद्या वाचस्पति की उपाधि आदि शामिल है। राजधानी पटना में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी। ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष DK शुक्ला ने परिवहन सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए बताया गया है कि राजधानी पटना में अनावश्यक हॉर्न बजाने से वायु प्रदूषण होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न और लाउड स्पीकर DJ पर रोक लगाई जाए, ताकि नगर निगम क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हो सके। पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने शहर में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। इस जागरूकता अभियान के बाद बेवजह सड़कों पर हॉर्न बजाने वालों या वाहनों में मल्टी हॉर्न का प्रयोग करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। मिर्जापुर सीरीज से स्टार बने पंकज त्रिपाठी। मिर्जापुर सीरीज को कई लोगों द्वारा भरपूर प्यार दिया जा रहा है। मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। मिर्जापुर की इस लोकप्रियता को देखकर बिहार के पंकज त्रिपाठी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंकज त्रिपाठी को भी इस सीरीज के कारण काफी लोकप्रियता मिली है। उनके मुताबिक इस सीरीज ने उन्हें स्टार बना दिया है। वहीं मिर्जापुर सीजन 3 की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सीरीज के पहले सीजन को जिस तरह का प्यार मिला, खास तौर से जैसी प्रतिक्रिया मिली, उसे देखकर वे हैरान हो गए थे। उन्होंने बताया कि यह सीरीज उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है। भारतीय रेलवे में आ रही खाने की शिकायतों के बाद IRCTC ने शुरू की पहल। इन दिनों भारतीय रेलवे में खाने की क्वालिटी को लेकर काफी शिकायत देखने को मिल रही है। अभी हाल में ही वंदे भारत ट्रेन से खाने में कॉकरोच मिलने की बात सामने आई थी।
जिसके बाद IRCTC के अधिकारियों पर रेल मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि IRCTC ट्रेनों के खाने का सर्वे करती है, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद IRCTC ने लंबी दूरी की ट्रेनों और देश भर के रेलवे स्टेशनों पर भोजन की गुणवत्ता और सेवा मानकों का कठोर निरीक्षण शुरू किया है, ताकि ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों को सुरक्षित और संतोषजनक भोजन मिल सके। शिक्षा विभाग ने प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर BPSC को भेजा रिपोर्ट। 40,518 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली है। इसमें सबसे अधिक 1984 प्रधान अध्यापक पटना जिले के लिए नियुक्त होंगे। वहीं दूसरे नंबर पर 1914 प्रधान अध्यापक पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पर मधुबनी में 1883 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग को इस संबंध में जिलेवार तरीके से शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट भेज दी है। आपको बता दें कि इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है। प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के बाद प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो सकेगा। नीट पेपर लीक मामले में CBI की 4 सदस्यीय टीम पहुंची EOU दफ्तर। नीट पेपर लीक मामले में CBI की एंट्री होते ही जांच प्रक्रिया तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले में पटना पुलिस ने सबसे पहले जांच शुरू की थी। इसके लिए एक SIT का गठन भी हुआ था। SIT का गठन पटना SSP राजीव मिश्रा के नेतृत्व में किया गया था। इसलिए CBI ने पटना SSP को CBI ऑफिस बुलाया था, ताकि इस मामले के अनुसंधान से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त हो सके। जिसके बाद SSP CBI दफ्तर गए। उनके वहां से निकलने के बाद EOU दफ्तर में CBI की 4 सदस्यीय टीम पहुंची। EOU के दफ्तर में CBI टीम ने अपने अनुसंधान के क्रम में 1 घंटे तक जानकारी प्राप्त की। आज DLED संस्थानों में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख। ERC NCTE से मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी संस्थानों में नामांकन के लिए बिहार परीक्षा समिति ने DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड के आधार पर नामांकन के लिए आवेदन की तिथि को जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 26 जून तक अभ्यर्थी प्रशिक्षण सत्र 2024 से 2026 में नामांकन के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा DLED शैक्षणिक सत्र 2024-26 में समिति ने प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए शुल्क तय कर दिया है, जिसके मुताबिक शिक्षण संस्थान अधिकतम 60,000 रुपये प्रति वर्ष और 2 वर्ष में कुल 1.20 लाख रुपये से अधिक शुल्क नहीं लेना है। मॉनसून के प्रवेश के बाद भी दक्षिण बिहार में मॉनसून नहीं हुआ सक्रिय। बिहार में मॉनसून के प्रवेश होने के बाद भी दक्षिण बिहार में मॉनसून अभी तक सक्रिय नहीं हो सका है। हालांकि कोसी सीमांचल जैसे इलाकों में जमकर बारिश देखने को मिल रही है। आज भी प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मधुबनी, सुपौल और गोपालगंज जिलों में 1 या 2 स्थानों पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और कुछ जगहों पर 40 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। बिहार के गिरफ्तार हुए 2 साइबर अपराधियों का पाकिस्तान से कनेक्शन आया सामने। बिहार पुलिस 2 ऐसे साइबर ठगों को धर दबोचा है, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। ये दोनों ही साइबर अपराधी चंपारण के रहने वाले हैं। इनकी पहचान पश्चिमी चंपारण जोकटिया के रहने वाले नेस्ताक आलम और पूर्वी चंपारण नौरंगिया के रहने वाली ईसा कुमारी के रूप में हुई है। इन दोनों ही साइबर ठगों को पटना के कदम कुआ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। साइबर थाना अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने बताया है कि साइबर थाना में 3 नवंबर 2023 को एक साइबर क्राइम का केस दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी पाकिस्तान में रहने वाले मुल्तान निवासी के साथ साथ एक दर्जन से अधिक पाकिस्तानियों को पासबुक नंबर उपलब्ध करवाते हैं। आगे उन्होंने बताया कि ईसा और उसके साथ 10 से 15 हजार रुपये में SBI बैंक में 15 हजार और अन्य बैंकों में 10 हजार जमा करके करीब 100 से अधिक खाते खुलवाए हैं।
आरबीआई के इस योजना से डिजिटल लोन में अब नहीं होंगे धोखाधड़ी के शिकार। बैंक से लोन लेना थोड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अब बाजार में कई ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो तुरंत लोन पर पैसे देने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें से कई ऐप्स धोखाधड़ी के भी हो सकते हैं। ऐसे ऐप्स पर नकेल कसने के लिए आरबीआई योजना बना रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि आरबीआई ऐसे संदिग्ध ऐप्स पर नकेल कसने के लिए एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी डिजिटा को स्थापित करने की योजना बना रहा है। डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स की जांच कर उन्हें सत्यापित करेगा और उन्हें सत्यापन चिन्ह देगा, ताकि लोग फर्जी ऐप्स लोन देने वाली कंपनियों से सावधान रह सके। महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के 350 टेंडर हुए रद्द। महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में हुए 826 करोड़ के 350 टेंडर को धांधली की वजह से रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचईडी में हुए 826 करोड़ रुपए के 350 टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था के लिए टेंडर हुए थे, अब नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। इन टेंडरों के रद्द होने की वजह उन्होंने अनियमितता बताई है। हालांकि उन्होंने इस मामले में आगे बताया है कि अभी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री के हर घर नल का जल के संकल्प को पूरा करने के लिए जल्द ही नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे। नीतीश कुमार ने संसदीय दल के नेता का किया ऐलान। लोकसभा और राज्यसभा में सीएम और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता को चुन लिया है। बीते दिन सीएम नीतीश ने दोनों सदनों के लिए अपनी पार्टी के नेताओं का ऐलान किया। इस घोषणा के जरिए बताया गया कि लोकसभा में दिलेश्वर कामत जदयू से संसदीय दल के नेता होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ललन सिंह संसदीय दल के नेता थे, लेकिन इनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये पद सुपौल से सांसद बने दिलेश्वर कामत को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में संसदीय दल का नेता जदयू ने संजय झा को चुना है। संजय झा इसी साल जदयू की तरफ से राज्यसभा पहुंचे थे। इनसे पहले रामनाथ ठाकुर राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता हुआ करते थे। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अफगानिस्तान कैप्टन ने किया ये खुलासा। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल में जाते ही अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान का बयान सामने आया है। दरअसल लीजेंड ब्रायन लारा ने टीम के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने को लेकर भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद राशिद खान ने कहा कि ब्रायन लारा ही वो शख्स है जिन्होंने उन्हें संभावित सेमीफाइनलिस्ट के रूप में चुना था। अफगानिस्तान ने खुलासा किया है कि एक पार्टी में उन्होंने लारा से बात की थी और उन्होंने कहा था कि वे उन्हें सही साबित करें। आगे उन्होंने कहा कि ब्रायन एकमात्र ऐसे इंसान है जिसने हमें सेमीफाइनलिस्ट में पहुंचाया है। अफगानिस्तान के प्रदर्शन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि फाइनल में ये टीम पहुंच सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। कई कानों से दर्द है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1888 में महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक घनश्याम दास बिरला का जन्म पिलानी में हुआ था। आज के दिन वर्ष 1975 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाते हैं। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार विरोधी दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1918 में भारतीय सैनिक राम राघोबा राणे का जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे शिक्षा मंत्री को लेकर वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए हैं, लेकिन ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है। जिस दिन ये दावा किया गया उस दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कोई भी कार्यक्रम निर्धारित था ही नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तरह के दावों पर विश्वास करने से बचे, इसकी सत्यता की जाँच जरूर कर ले। दूरसंचार कंपनियों को ट्राई ने स्पैम कॉल को लेकर दिए ये निर्देश। दूरसंचार नियामक ट्राई ने स्पैम कॉल्स को लेकर दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इन कंपनियों को कहा गया है कि वे अपने मोबाइल ऐप पर वेब पोर्टल को स्पैम संबंधी शिकायतों के पंजीकरण और वरीयता एवं सहमति की सेटिंग के लिए उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल बनाए। आगे ट्राई ने कहा कि सभी सेवा प्रदाताओं को पिछली तिमाही के बजाय मासिक आधार पर प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। इसके अलावा ट्राई ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि स्पैम शिकायत के पंजीकरण और वरीयता प्रबंधन के विकल्प उनके मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हों।
एक बार फिर से नए शिखर पर पहुंचा सेंसेक्स। मंगलवार को सेंसेक्स एक बार फिर नए शिखर पर पहुंचकर बंद हुआ है। वहीं इस दौरान निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड कायम किया। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 712.44 अंक उछलकर 78,053.52 के नए शिखर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 183.45 अंक चढ़कर 23,721.30 का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबार के आखिरी में जिन कंपनियों के शेयर लाभ में रहे उनमें LIC हाउसिंग फाइनेंस, अपोलो टायर्स, श्रीराम फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, HDFC, AMC, एक्सिस बैंक आदि शामिल है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, महावीर ने किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया था? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है प्रकृत। इसका सही उत्तर है प्रकृत। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है महाकश्यप, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी है सब्बा कामी, ऑप्शन डी है वसुमित्र। इसका सही उत्तर है वसुमित्र। 1897 में परोपकार तथा सामाजिक कार्य जारी रखने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है ब्लावा टस्की व ऑलकॉट। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पहली डच फैक्ट्री के लिए, ऑप्शन बी है पहली पुर्तगाल फैक्ट्री के लिए, ऑप्शन सी है पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री के लिए, ऑप्शन डी है पहली ब्रिटिश फैक्ट्री के लिए। इसका सही उत्तर है पहली डच फैक्ट्री के लिए। स्वतंत्रता के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर कौन थे? ऑप्शन ए PS कुमार स्वामी राजा, ऑप्शन बी है OP रामा स्वामी रेड्डियर, ऑप्शन सी है तनगुतरी प्रकाशम, ऑप्शन डी है कला वेंकट राव। इसका सही उत्तर है OP रामा स्वामी रेड्डियर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है अमित कुमार, मोतीलाल कुमार, नुनू गोलू कुमार, श्रवण कुमार, राजीव कुमार, नरेंद्र यादव, विनय कुमार, गुनर शर्मा, कृष्णा प्रसाद, सादुल्ला पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, शिव शक्ति, अतीक खान, राकेश मिश्रा, सुजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। रात का सवाल है, क्या आपने ट्रेन के खाने का स्वाद चखा है? यदि हाँ तो आपको भारतीय रेलवे के खाने की गुणवत्ता कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।